हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टैंकर वेसल पे आईजीजी का स्टार्टिंग प्रोसीजर। कभी भी आईजीजी एक हाई लोड मशीनरी है तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हम लोग का दो जनरेटर स्टार्ट है कि नहीं, ताकि सफिशिएंट लोड ले पाए। तो अभी आप लोग देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे दो जनरेटर ऑलरेडी रनिंग पे है। अब हम लोग उसको लोड पे लेंगे। दो जनरेटरों को हमने लोड पे ले लिया है, उनका पैरामीटर्स मॉनिटर कर लिया है। अब हम लोग स्कबर पंप स्टार्ट करते हैं। स्कबर पंप स्टार्ट हो गया है, एम्परेज हम लोग ने वेरीफाई कर लिया है, एम्परेज ओके है। अब हम लोग पैनल के पास पहुंच चुके हैं। ये आईजीजी का पैनल है, अल्फा लेवल का आपका O2 एनालाइज़र है और SMIT का सिस्टम है। हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एयर सबसे पहले खोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन एयर का प्रेशर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद से फ्यूल ऑयल प्रेशर चेक करेंगे। फ्यूल ऑयल प्रेशर शुड बी अराउंड 12 बार्स टू 15 बार्स। फिर हम लोग जनरेटर स्टार्ट बटन दबाएंगे, फिर ब्लोअर और फ्यूल पंप कट इन हो जाएगा। मेन बर्नर का फ्यूल ऑयल इनलेट प्रेशर, जब उसका सोलेनोइड एक्टिवेट होगा तब आपको गेज में शो करेगा। अभी ये रेसिडुअल प्रेशर है। अब ऑटो में अपने आप बर्नर कट इन हो रहा है। हम लोग फ्लो भी वेरीफाई करेंगे कि बर्नर फायर होने के बाद फ्लो मीटर में सफिशिएंट है कि नहीं। अभी जैसा आप लोग देख रहे हो पैनल में बर्नर का लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब अभी बर्नर फायरिंग प्रोसीजर ऑन है और पायलट बर्नर फायर हुआ है, उसके बाद से मेन बर्नर फायर होगा। बर्नर का LED स्टेबल हो जाएगा, दैट कन्फर्म्स कि बर्नर फायर हो चुका है, मेन बर्नर। जैसा आप लोग देख रहे हो साइड ग्लास में फ्लेम स्टेबल है और LED भी स्टेबल हो चुका है। अब हम लोग वेट करेंगे O2 कंटेंट नीचे आने का। टैंकर वेसल्स पे नॉर्मली 5% से नीचे O2 कंटेंट होना चाहिए टैंक में। इस IG में ये लोड का स्केल है, नॉर्मल ऑपरेशन में हम लोग 35% पे रखते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हो O2 कंटेंट नीचे आ रहा है। जब तक O2 कंटेंट 5 के नीचे नहीं आता है तब तक एटमॉस्फेयर का वाल्व खुला रहता है और हम लोग स्टैंडबाय में नहीं डाल सकते हैं तब तक IG को। अभी O2 कंटेंट 5 के नीचे आ चुका है। अब हम लोग ऑक्सीजन कंटेंट को स्टेबल होने का वेट करेंगे और अभी भी एटमॉस्फेयर का वाल्व ओपन है। अभी O2 कंटेंट और नीचे आ रहा है, हम लोग स्टेबल होने का वेट करेंगे। इट शुड बी स्टेबल फॉर 1 to 2 मिनट्स, तब हम लोग स्टैंड बाई में देंगे IG को। अभी फ्यूल ऑयल प्रेशर बर्नर इनलेट में शो कर रहा है 9 बार्स और सारा पैरामीटर्स एक बार वेरीफाई कर लेना है रनिंग में, दैट इज़ विद इन लिमिट्स। फिर
फ्यूल प्रेशर इज़ ओके। Flame is also stable. अब O2 कंटेंट 3.82% पे नियरली स्टेबल हो चुका है। अब हम लोग रेडी फॉर स्टैंड बाई प्रेस कर देंगे पैनल में। स्टैंड बाई स्टार्ट प्रेस करते ही लाइट ब्लिंक होने लगेगा और उसके बाद से CCR से कार्गो कंट्रोल रूम से डेक पे डाला जा सकता है IG को, और डेक से डेक सील के बाद वो टैंक्स में जाएगा। CCR में इन्फॉर्म कर देना है कि IG इज़ ऑन स्टैंड बाय। इसमें से ग्रीन बटन जो स्टार्ट का है, इसको जैसे हम प्रेस करेंगे देन जे अपना डिलीवरी इसका स्टार्ट हो जाएगा डेक पे। और डेक पे जो इसका स्टार्ट करने से पहले हमें जो आइसोलेशन वाला IG का वो खाली ओपन करना है, वो जो भी जिस टाइम में IG वगैरह डालना है उसका ब्रांच वाला भी ओपन होना चाहिए। उसके बाद में जो उस टैंक में जो है पर्टिकुलर टैंक में जो IG आपकी जानी स्टार्ट हो जाएगी। ओके थैंक यू जी साहब। ऑक्सीजन कंटेंट स्टेबल है 3.7 के अराउंड और IG डेक में डाला जा चुका है डेक लाइन में। फ्लेम स्टेबल है, सारा पैरामीटर्स इज सेटिस्फैक्ट्री। हाँ जी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम हम वैसा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, बाय बाय।